मेरे पास इस तरीके एंटीक क्लचेस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यदि आप मेरा होल कलेक्शन देखना चाहते हो हैंडबैग्स का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी लव्स फैशन। तो गाइस आज मैं आपके साथ अपने लग्जरी क्लचेस कलेक्शन दिखाने वाली हूँ, लग्जरी हैंडबैग्स दिखाने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होने वाले हैं, साथ ही साथ इसमें कुछ अफोर्डेबल भी हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन जो एक्सपेंसिव और लग्जरी हैंडबैग्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, यू विल लव इट ऑल गाइस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये होने वाला है एक अमेजोन हॉल और हाँ अमेजोन पे आने वाली है सेल, तो फटाफट अपना कार्ट और अपनी विश लिस्ट प्रिपेयर कर लो ताकि जैसे ही सेल आए वैसे ही आप अपनी शॉपिंग कर सको। तो यहाँ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, बट स्टार्ट करने से पहले गाइस फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और मुझे फॉलो कर लो गाइस इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आते हैं मेरी ढेर सारी अपडेट्स और ढेर सारी डेडिकेटेड रील्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा हैंडबैग है ये, सो प्रिटी ना, यस बहुत ही ज़्यादा एकदम हैंडक्राफ्टेड ये हैंडबैग है। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हो ये हैंड पेंटिंग है और ये वेलवेट की फैब्रिक पे बना हुआ है, ये वुड है इसके अंदर और कुछ इस तरीके से ये ओपन होता है और बहुत ही ज़्यादा सही है। इसमें हमें स्ट्रिंग भी मिल जाती है ताकि हम लगा के इसे एज अ स्लिंग बैग के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे इसे एज अ क्लच लेना ज़्यादा पसंद है। मुझे एज अ क्लच ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और कुछ इस तरीके का ये बैग है। स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है इसमें, आप आराम से मोबाइल रख सकते हो, अपने कुछ मेकअप वगैरह के सामान, कैश वगैरह रख सकते हो और कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें इसमें रखी जा सकती हैं। स्पेस काफ़ी अच्छा इसमें मिल जाता है। ये पूरा फैब्रिक आपको ऊपर वेलवेट का मिलता है, यहाँ एक फैब्रिक है जिस पर कि ये पेंटिंग हुई है एंड दिस इज़ लुकिंग सो ऑसम। मतलब आप कोई भी सिंपल आउटफिट पहन रहे हो और उसके साथ ये क्लच लोगे तो सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्लच पे जाने वाला है और सब लोग पूछेंगे ये क्लच कहाँ से लिया एंड कितने का लिया। ये है ब्रांड आर्टफ्लिक का और आर्टफ्लिक के पास ऐसे और भी बहुत सारे खूबसूरत से क्लचेज हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो इनको जाके अमेजोन पे। मैं कुछ सजेशंस मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप जाके इसे चेकआउट कर पाओगे। एंड इसकी जो कॉस्ट है विच इज़ रियली लग्जरी कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 2100 रुपये। कॉस्टली है बट वो प्राइस वर्थ करता है, कम्प्लीटली इसको वर्थ करता है। इसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी इट जस्ट अमेजिंग एंड पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन वाला ये क्लच है। तो डेफिनेटली गाइज यदि आप इस तरीके के लग्जरी क्लचेस लेने में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इसे चेकआउट कर सकते हो, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट है एक और ये मेरा वुडन का बैग, ये भी बहुत ही ज़्यादा लग्जरी क्लच है। लुक एट दिस, ये पूरा वुडन का बना हुआ है, यहाँ पे अंदर आपको सीक्वेंस दिख रहे हैं, आई थिंक सीक्वेंस का कुछ फैब्रिक वगैरह अंदर लगा हुआ है जिसके ऊपर फिर ये कटिंग करके ये वुड लगाया हुआ है एंड ऊपर ये प्रॉपर मेटल का ये फ्लावर बना हुआ है, ये मेटल का फ्लावर है एंड इसमें जो अटैचमेंट है वो एक मैग्नेटिक अटैचमेंट है, तो यहाँ पे कोई अलग से बटन वगैरह नहीं है, ये अटैचमेंट जो है ये मैग्नेट है तो इस तरीके से ये बंद हो जाता है एंड इसके अंदर आपको ये चेन भी मिलती है स्लिंग वाली और इसको यदि आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। ये है ब्रांड अनिकंथ का और ये ब्रांड के पास इस तरीके के और भी बहुत सारे क्लचेस हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं एंड इस तरीके के क्लचेस बहुत ही ज़्यादा एंटीक और यूनिक होते हैं जो कि मतलब आपकी पूरी आउटफिट में एक अलग ही अट्रैक्शन ऐड करते हैं। लुक एट दिस, ये इस आउटफिट के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है, एकदम लग्जरी फील आती है इसके साथ। इसकी कॉस्ट लिटिल अफोर्डेबल है, इसकी कॉस्ट है 1079 रुपीज़। यदि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो एक क्लच में तो ज़रूर इसको आप बाय करना क्योंकि ये थोड़ा सा बीच की रेंज का है, ना ही बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल ना ही बहुत ज़्यादा प्राइजी है। तो यदि आप इसे लेना चाहते हो तो मेरी तरफ से थम्स अप है इसके लिए। इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा ये शकुंतला ब्रांड का ये ग्रीन कलर का मेटल क्लच। ऑलरेडी मैं अपने बहुत सारे हॉल वीडियोज़ में मेटल क्लचेस दिखा चुकी हूँ एंड मैं वुडन एंड मेटल क्लचेस की तो सच में बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ। तो ये मैंने फाइनली एक ग्रीन कलर का मंगाया है जिसमें ग्रीन एंड मरून कलर का आपको पूरा डिटेलिंग दिख रहा है। इसमें ये चेन मिल जाती है स्लिंग के लिए, आप इसे एज अ क्लच भी यूज़ कर सकते हो। इसकी स्लिंग, इसकी चेन जो है इसके अंदर डाल दो, इंसर्ट कर दो इस तरीके से एंड आप इसको एज अ क्लच पर्स भी यूज़ कर सकते हो।
और कुछ इस तरीके से देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइन है इसकी, इस क्लच की। इसमें आपका मोबाइल तो डेफिनेटली नहीं आएगा, मैं आपको बता दूँ, यदि इस मोबाइल की बात करी जाए तो ये मोबाइल इसमें इंसर्ट नहीं होगा। और आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ मेकअप के सामान, कैश और इस तरीके की चीज़ें रख सकते हो, मोबाइल आपका इसमें एडजस्ट नहीं होगा। यदि कोई छोटा मोबाइल है तो ज़रूर एडजस्ट हो जाएगा, बट इस टाइप का इतना बड़ा मोबाइल आपका इसमें एडजस्ट नहीं होगा। मेरे पास इस तरीके एंटी क्लचेस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ यदि आप मेरा होल कलेक्शन देखना चाहते हो हैंडबैग्स का, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैंडबैग्स हो गए हैं। मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट अपना हैंडबैग का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बात करते हैं प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 899 रुपीज। दिस इज लिटिल अफोर्डेबल, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो क्योंकि ये काफी ज्यादा यूनिक है और आपके कहीं भी आप लेके जाओगे इसे तो ये अटेंशन ग्रैप करने का काम करता है। नेक्स्ट है गाइज, ये ब्रांड विथराज का ये क्लच पर्स जो कि सिल्वर कलर का है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, कुछ ऐसे हैं जिसमें इस तरीके लाइनिंग नहीं है, पूरा पूरा सिल्वर है, या इसमें रोज गोल्ड, गोल्ड कलर, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर भी अलग से है। बहुत सारे कलर और ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। कुछ इस तरीके का आपको ये क्लच मिलने वाला है। काफ़ी मजबूत है, अच्छा है। इस बैग में आपका मोबाइल वगैरह बहुत ही ईजिली एडजस्ट हो जाएगा। आप अपने कुछ मेकअप के सामान इसमें रख सकते हो, लाइक लिपस्टिक वगैरह एडजस्ट हो जाएगी इसमें। इसमें चेन भी मिलती है आपको कुछ इस तरीके की, जिसे आप एज अ स्लिंग कंधे पे डाल भी सकते हो और चाहो तो इसे एज अ क्लच भी ले सकते हो। मुझे एज अ क्लच लेना इसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कंपैरिजन टू इसको एज अ स्लिंग बैग। तो देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत सा है, मजबूत भी काफ़ी अच्छा है। बट मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, इस तरीके के क्लचेस को हमेशा ही एक किसी पॉली रैप में रैप करके रखना चाहिए। किसी भी जो साड़ी वगैरह की पॉलीज होती हैं उनमें रैप करके रखो, जिससे कि इनकी लाइफ अच्छी हो जाती है और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं और ये गंदे भी नहीं होते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हो गाइस। मुझे तो ये क्लच बहुत ही प्यारा लगा, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और सुंदर भी बहुत लग रहा है। इसका प्राइस है 599 रुपीज़। दिस इज टू अफोर्डेबल, डेफिनेटली इसे तो आप चेकआउट कर ही सकते हो। चाहे आप अफोर्डेबल चीज़ें खरीदते हो, चाहे आप लग्जरी चीज़ें खरीदते हो, तो इसे तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे चेकआउट जरूर कर सकते हो। तो ये था गाइस आज का मेरा लग्जरी हैंडबैग कलेक्शन। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा मेरा हैंडबैग सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। एंड हाँ, आगे यदि मेरे पूरा कलेक्शन देखना चाहते हो ना हैंडबैग का, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, इसलिए फटाफट चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड हाँ, वन मोर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग वो है कि मुझे फॉलो कर लो यार इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारे कंटेंट बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा डेली वहाँ पे कंटेंट पोस्ट करती हूँ। तो फटाफट आ जाओ इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स भी आते हैं डेली के। तो फटाफट ज्वाइन कर लो मुझे इंस्टाग्राम पे। और हाँ, मिलते हैं गाइस किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। बाय बाय।